गाइस आज हम आपके लिए एक अच्छा अपडेट लेके आए हैं। M3 हम आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे नेक्स्ट टू दिल्ली, नियर टू दिल्ली, 10 किलोमीटर। पहले M3 ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय द नेम ऑफ M3 कैपिटल, जो कि आप कैपिटल के नियर बाय, इसलिए M3 कैपिटल रखा इसका नाम। इसमें 8 एकड़ के अंदर टावर लेके आए थे पहले M3 कैपिटल के नाम से। इसके अंदर बहुत अच्छी एमिनिटीज है, क्लब हाउस है, फ्रंट में कमर्शियल है, अपनी SCO मार्केट है, 113 मार्केट इसके नेक्स्ट 10 एकड़ में पहले लेके आए थे ओन द्वारका एक्सप्रेस वे, बैंक ओन द्वारका एक्सप्रेस वे। अच्छी न्यूज ये है कि नए टावर्स और लेके आए हैं 8 एकड़ के अंदर, जिसका प्राइस काफी अच्छा है, लीन एंड रिलायबल है। अगर आप देखेंगे ये जो एरिया है बीच का, इधर से आगे देखेंगे हम, ये वाले एरिया में इन्होंने यहाँ पे टावर लॉन्च किए हैं, जिसका अभी डिस्काउंट इन्होंने तय कर दिया है। इनॉग्रल डिस्काउंट अभी निकाल के आए हैं ये 1000 रुपए इनॉग्रल डिस्काउंट विद अर्ली बर्ड के लिए आप 1000 का और डिस्काउंट हो जाएगा। 21900 का रेट है, 21900 का अभी जो रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19900 का। तो कंपनी ने अभी ये स्कीम निकाली अर्ली बर्ड के लिए, ये 31 जनवरी तक खाली वैलिड है। जो भी ये फर्स्ट पहले यहाँ पे आएगा चॉइस की यूनिट लेके जाएगा और प्राइस में छूट लेके जाएगा। पहले टावर आप देख सकते हैं काम काफी अच्छा चल रहा है, मैं उसमें आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाऊंगा पुराने टावर्स की, जिसमें इन्होंने काम अभी तक चल रहा है, माइबर की टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। यहाँ पे आसपास क्या है आपके प्रोजेक्ट के, आपका यहाँ पे एम्बेसीज है, भारत वंदना पार्क है, G20 की समिट जो अभी यहाँ पे हुई थी मीटिंग, वो 20 देशों की वो यहीं पे हुई थी नियर बाय। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ये फायदा है, दिल्ली का जो पैच है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे का 1 साल का टाइम है, 1 साल में ही बहुत अच्छा प्राइस आ जाएगा। जैसे कि हम बताएं पहले जो टावर्स थे इसके अंदर इन्होंने कम से कम भी जो प्राइस निकाला था वो निकाला था आपने 7700 रुपए का, प्लस अदर चार्जेस लगा के 9500 का रेट आ जाता था ऑल इंक्लूसिव। आज की डेट में देखिए 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल के डिफरेंस में कितना डबल का ही रेट हो गया है। अगर आज भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ये पॉइंट आपका आज के बाद निकल जाएगा, हाथ में नहीं आएगा एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन जो होगी वो 1 साल के अंदर अंदर होगी, जिसने अभी इन्वेस्ट कर दिया वो बढ़िया है, नहीं तो फिर 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का नुकसान हो जाएगा, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस हो रहा जाएगा आपका, जिससे आपकी एप्रिसिएशन और चॉइस की यूनिट नहीं मिल पाएगी। सबसे पहली बात चॉइस की यूनिट होती है, अगर वही अच्छी नहीं मिली आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिसने अभी यहाँ पे EOI देनी हो या अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी हो वो आप हमें दे सकते हैं। तो काफी अच्छी लोकेशन है, बेनिफिट ये है कि आसपास स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, एक स्कीम निकाली है उन्होंने इसका नाम स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, इसलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं लेके आया। और इनकी मीटिंग के अकॉर्डिंग जो हमें मिला इंफॉर्मेशन, ऐसी कंस्ट्रक्शन लेके आएंगे जो इकोलॉजी हो, जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन है वो अकॉर्डिंग टू नेचर हो, जो एटमोसफेयर हो वो खराब ना हो, उसको लेके ये आगे सारी चीज देख रहे हैं बेस्ट से बेस्ट। इसके अंदर ये अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और जो कि एक इको ग्रीन सिस्टम के अंदर आए। तो ये इनका भी मॉड्यूल था, और भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए काइंडली लेट अस नो, थैंक यू सो मच। कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ M3 टल, ये देखिए काफी तेजी से चल रहा है काम इसका भी। अब इनका नया फेज आ रहा है, किसी ने इसके अंदर करना, काफी अच्छी लोकेशन है नियर बाय दिल्ली। माई वन से बना रहे हैं इसको, इसके साथ में इसकी 113 की मार्केट है, लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। डोमिनोज आ गया इसकी मार्केट में,
113 वाली मार्केट में। लोकेशन काफ़ी प्रीमियम हो जाती है इसकी दिल्ली के नज़दीक होने से। दिल्ली रिजर्व ग्रीन काफ़ी नियर बाई है, एमिनिटीज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर।